परसेप्शन है कि मतलब जो गोरा है वो सुपीरियर है, तो वहाँ से ये निकला है कि जो गोरी स्किन वाले हैं ना वो बड़े खूबसूरत हैं, अट्रैक्टिव हैं। नहीं नहीं नहीं, वो एक अलग चीज़ है। ये सफ़ेदी का रंग, रंग रंगत की सफ़ेदी का तल्लुक बराह रास्त हमारे आबा अजदाद से आता आ रहा है, जहाँ पे हम सफ़ेद चमड़ी की गुलामी करते आए हैं और सफ़ेद चमड़ी को हम चढ़ता सूरज समझते आए हैं कि जिसकी रंगत जितनी ज़्यादा सफ़ेद है वो समाज में उतना ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है। इसको इस तनाजुर से देखें, रिस्पेक्टेबल नहीं यार। अभी आप सोच रही हैं तो आपके लिए ना वहाँ से ये चीज़ फूटी है, ये चीज़ वहाँ से निकली है। इसके सफ़ेद रंगत वाले को माशरे में अच्छा समझा जाता है, इस वजह से रंगत सफ़ेद होने, फायज़ा ब्यूटी और पता नहीं कौन कौन सी ब्यूटी। इंस्टेंट वाइल्ड होने के चक्करों में जो डेंजरस केमिकल केमिकल्स होते हैं, ज़रूरी नहीं हर एक के ऊपर नेगेटिव असर हो, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि हर एक के ऊपर पॉजिटिव हो। लेकिन केमिकल है तो वो डेंजरस ही है। मेरा मानना ये है कि ये जो क्रीमें वगैरह आपको सफ़ेद करती हैं उससे फ़र्क इस वजह से पड़ता है क्योंकि जब आपने क्रीम लाई होती है तो आप अपने चेहरे की केयर करना शुरू कर देते हैं। मेरी बात समझ, असल में क्रीम एक बहाना है, असल जो जादू है वो ये है कि आप अपनी स्किन की केयर करना शुरू कर देते हैं टाइम पे, मुंह धोना रूटीन के साथ। वो जब छोड़ दें तो स्किन पे ना वो जो जाइयाँ नहीं रिंकल्स वगैरह सर्कल्स और रिंकल्स वो शुरू हो जाते हैं, और दूसरे नंबर पे रंग ऐसे जिससे वो पीला और दोबारा से अपने फॉर्म में आना नहीं शुरू हो जाता, मतलब कोई एक महीना लगाना छोड़ दे उसको। बात तो फिर वही है ना, रूटीन छोड़ दें। हाँ बात तो ये है जो मैं समझता हूँ कि ये रूटीन एक्चुअली बन जाती है, आप केयर करना शुरू कर देते हैं। वो तो बोनस है जो क्रीम में आपको कुछ केमिकल्स ऐसे दिए जाते हैं जो कि मतलब कलर जो है स्किन का उसको कुछ करते हैं। असल मैजिक तो रूटीन का है। अब मैं देख रहा हूँ हमारे मुआशरे में ही ये है सफ़ेद चमड़ी का, जो मैं आपको आगे रखना दे रहा था ना उस वजह। अब आप मॉडर्न कंट्रीज़ में चले जाएँ, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस साइड, वहाँ पे जो है जो मॉडल्स और एक्ट्रेस वो मतलब ऐसी रंग था। वो जो हैली बेरी है पता ना उसको? नहीं मुझे नहीं, पतली सी है। अच्छा। लंबी सी हमने उनकी उसकी काफ़ी फिल्म देखी, सॉन्ग भी है सही। लेकिन यार अब हमारी भी कई एक्ट्रेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा मॉडल्स भी वो ये जो है उसका रियाज है वो सही सॉन्ग भी है, कलर आता है उसका। हाँ लेकिन वो टॉप एक्ट्रेस भी शुमार होती है, हमारी बड़ी कम है। नहीं जो जगह जो एलीट क्लास तक है ना उधर कोई थोड़ी बहुत सूझबूझ है कि यार हम रंगत खूबसूरती का मेयार नहीं है। मैं आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ, पब्लिक की सोच ही है, हमारे घरों में मौजूद ख्वातीन की सोच ही है, मैं उसकी उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब हाँ हाँ यार आप अपनी लुक एट योर फैमिली मेंबर, मैं नाम नहीं लेता, शायद वो वीडियो ना देख रहा हो हमारी फैमिली में से, तो वो उसको इस चीज़ पे माना है कि जी के मेरे बच्चों की रंगत बड़ी सफ़ेद है, तो इस वजह से वो जो है अपने बच्चों को बहुत प्यारा समझती है। यार प्यार एक वो एहसास है जिसके लिए एक फैक्टर नहीं है, अब मेरे बच्चे रंग सफ़ेद हो, काला हो, ब्राउन हो,
दांत बड़े हों छोटे हों, बाहर निकले हो अंदर हो, नाक फीना हो तीखा हो, वहाँ ये चीज़ें, ये फिजिकल अपीयरेंस प्यार एक डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, फिर ये तो सिर्फ बच्चों की बात कर रहे हैं, इवन लुक एट योर कपल, आपका मियाँ है आपकी बीवी है, जो फीचर्स हैं वो बड़े प्यारे और ये वो है, और व्हाट अबाउट द रिलेशन? बस आगे भी यही अंदाजा था ना, मैं इसी वजह से आपको कहती हूँ कि आप बंद कर दो। हाँ। नहीं बाकी